हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़दीन। फ्रेंड तो कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। फ्रेंड तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, वो सभी का ही फेवरेट होता है केक। यस फ्रेंड, तो आज मैं बनाऊंगी बिस्किट से केक। मेरे पास ये 2 बिस्किट है गुड डे के फ्रेंड, एंड 2 टाइगर के बिस्किट है चॉकलेट वाले। तो आप अगर आपके पास सिर्फ टाइगर वाले हैं तो आप सिर्फ टाइगर वाले ही बना सकते हो। अगर आपके पास थोड़े मिक्सअप हैं तो आप मिक्सअप भी बना सकते हो एज यूर विश फ्रेंड। तो मैं ले लूंगी 2 गुड्डे और 2 टाइगर बिट्स मिक्स करके बनाऊंगी आज मैं। और मेरे कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये काजू बादाम है, ये अखरोट है, ये मिक्स फ्रूट है, ये भी मिक्स फ्रूट है, इसमें नारियल भी है थोड़ा सा, ये किशमिश है, ये देखिए सी गनाश है, चॉकलेट गनाश सी देखिए, ये देखिए कितने अच्छे हैं सारे, इसमें गनाश है। मैं ये इसको यूज करूंगी केक में। एंड ये मेरा एक इनो है, ये मेरा 1 कप मिल्क है, ये मेरी कुछ शुगर है फ्रेंड। तो लेट्स सी, चलते हैं हम केक बनाने के लिए। तो फ्रेंड आज मैं गैस पे नहीं बनाऊंगी फ्रेंड, आज देखिए सी मैं इस ओवन में बनाने वाली हूँ, माइक्रोवेव ओवन में। तो फ्रेंड मैं ओवन में केक बनाऊंगी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। और ये मेरे दहेज का है, ये मेरी मम्मा ने मुझे शादी में दिया था, तो मैं उसी में ही बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो देखिए अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस भी बना सकते हैं, कढ़ाई के अंदर बन सकता है ओवन केक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही सिंपल है। यस फ्रेंड, कोई टफ नहीं है। तो चलते हैं हम केक की तरफ, लेट्स सी। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे में जो बिस्किट थे वो मैं सब निकाल लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चॉकलेटी केक बनाएं तो आप सिर्फ ब्राउन बिस्किट हैं जो टाइगर के, उसे यूज करें और इसे स्किप कर दें, जो हमारा ब्राउन वाला है, ये वाला लाइट ब्राउन वाला, डार्क ब्राउन वाला नहीं। तो फ्रेंड मुझे मिक्सअप बनाना है, इसीलिए मैंने दोनों का यूज किया है फ्रेंड। मिक्सअप भी बहुत यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो इस बिस्किट को हम अपने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से फॉर्म पाउडर बना लेंगे। तो हम पाउडर बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो अपने जो बिस्किट थे मेरे, और मैंने शुगर यानी कि चीनी डाल के इसमें अच्छे से इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड। सी देखिए अच्छे से। एंड अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना मिल्क ऐड करेंगे। सी देखिए मेरा 1 कप है, 1 कप तो पूरा खैर नहीं पड़ेगा फ्रेंड, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको लिक्विड फॉर्म बनाएंगे। सी ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिल्क ऐड किया है। सी देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी, ऐसा बैटर हमारा बनके रेडी है फ्रेंड। बट इसमें अभी ये हमारा थिक है, इसमें हमें अभी थोड़ा सा और मिल्क ऐड करना है। देखिए मेरा इतना मिल्क यूज हो गया है, हमें इसमें भी मिल्क थोड़ा सा और ऐड करना है। ना ही ज्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो केक का बैटर था वो बनके रेडी है फ्रेंड। देखिए ये ना ही ज्यादा थिक है, ना ही ज्यादा लिक्विड है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पूरी हो चुकी है, ये देखिए ये अच्छे से हमारा बनके बैटर रेडी है फ्रेंड। अब हमें इसे इस वाले बाउल में करना है, क्योंकि ये हमें ओवन बनाना है तो ये ओवन का ही बाउल है फ्रेंड। तो हमें ये इसमें अपना केक शिफ्ट करना है। बट उससे पहले फ्रेंड हमें इसमें बटर पेपर लगाना है नीचे, हल्का सा रिफाइंड या बटर आपके पास जो भी हो आप उसको लगा के इसमें बटर पेपर लगाएंगे, उसके बाद हम अपना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा फॉल पेपर है, चाहे इसे फॉल पेपर बोल लीजिए या बटर पेपर बोल लीजिए, इसको हमें इसी अपने राउंड शेप में कट करके इसके ऊपर लगाना है। सबसे पहले इसमें नीचे ऑयल लगाएंगे हल्का सा, उसके बाद में हम अपना बटर पेपर इसके ऊपर रैप करेंगे। मैंने जो मेरा केक का बाउल था जिसमें हमें केक बनानी, वो मैंने रेडी कर लिया। देखिए बटर पेपर मैंने नीचे लगा लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड लगा के, आपके पास रिफाइंड है तो रिफाइंड का यूज कीजिए या फिर बटर का यूज कीजिए। अब मैं इसमें हमें केक में, मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है फ्रेंड, मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड का यूज करूंगी। इसमें मैं 4 स्पून रिफाइंड डालूंगी, 1 स्पून छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लेना है फ्रेंड, 2 स्पून एंड 3 स्पून एंड 4 स्पून, हमें 4 स्पून डालना है फ्रेंड। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद में हम अपना बैटर में इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड हमें जो इनो का ये यूज करना है, इसे हमें सबसे लास्ट में करना है, जब हमने केक पूरा रेडी कर ले उसके बाद में हमें सबसे एंड में अपना इनो ऐड करना है इसके अंदर। तो मैं इसमें अब इसको मिक्स करके
इसके अंदर इनो ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा जो बैटर था केक का बिल्कुल रेडी है, मैंने इसमें मैं शिफ्ट कर लिया है। अब जो मेरे कुछ ड्राई फ्रूट है वो मैं इसको ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, जो मेरा केक था वो बिल्कुल बनके बैटर रेडी है। सी देखिए, मैंने इसमें डेकोरेट के लिए ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, ऊपर से गनाश कर दिए हैं, इनको डेकोरेट कर दिया है मैंने। देखिए इसमें अखरोट है, किशमिश है, बादाम है, काजू है, नारियल भी है कद्दूकस करके। एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। प्लस मेरे पास देखिए चॉकलेट गनाश भी है। देखिए सी कितनी प्यारी लग रही, कितनी क्यूट है। ये मेरी बेबी को बहुत ज्यादा पसंद है फ्रेंड। यस, मेरी अमायरा को बहुत ज्यादा पसंद है, इसको मैं जरूर ऐड करूंगी। और वो तो मांग मांग के ऐसे ही खा जाती है मेरे से लेकर। यस, ऐसे ही वो ईट कर लेती है। तो मैं इसको भी, चॉकलेट गनाश को भी इस तरीके से बीच बीच में ऐड करूंगी डेकोरेट के लिए। सी देखिए, आप चाहे तो आप ऐसे भी डेकोरेट करते हैं, कर सकते हैं, या फिर आप बनने जब हमारा केक बनने वाला हो उसके बीच में भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा केक बनेगा तो ये हमारा उठेगा, यानी कि ऊपर को फ्लफी होगा, फ्लफी मतलब फूलेगा, तो ये हमारा इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आप एंड में भी इसको डेकोरेट के लिए ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें थोड़े ही ऐड करूंगी फ्रेंड, बाकी मैं ऊपर से इसको डेकोरेट करूंगी गनाश, इसको डेकोरेट में यूज करूंगी मैं ऊपर से। बाकी मैंने इसमें थोड़े ही ऐड किए हैं। सी देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसकी, बट ये मेरे पास गोल्डन है, सिल्वर है, कलरफुल है, ये बहुत ही अच्छी बॉल लगती है। यस फ्रेंड, सी देखिए मैंने इनमें डाली हुई है, कितनी प्यारी एकदम, मुझे तो ये मोती उतर लगती है। देखिए सी कितने अच्छे कलर है। ये जल्दी ही नहीं, जल्दी से नहीं मिलती है फ्रेंड, बहुत मुश्किल से मिलती है शॉप पे, हर कोई इसे नहीं देता है। यस, वो अपने केक के लिए यूज करता है, बट ये मैं बहुत दूर से लेके आई हूँ फ्रेंड। ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, जब मैं मायके गई थी, यस वहां से लेके आई हूँ मैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया है। बाकी मैं डेकोरेट ये चॉकलेट गनाश जो है मेरे पास छोटे छोटे, देखिए ये मैं इनसे डेकोरेट कर दूंगी फ्रेंड। हम चलते हैं इसको ओवन में रखने के लिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने ओवन में केक रखने के लिए। देखिए सी, मेरा केक रेडी है बनके बिल्कुल फ्रेंड। देखिए सी कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा गेटअप आया, कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका फ्रेंड। अब हम चलते हैं इसको अपने ओवन में रखने के लिए। हमें देखिए, मैंने इसको सेट किया हुआ है फ्रेंड। देखिए सी, हमें इसे 20 मिनट के लिए रखना है अपने ओवन में। तो हम इसको रखते हैं अपने ओवन में इस तरीके से। बिल्कुल 20 सेंट में फ्रेंड, देखिए सी, अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। और देखिए मेरे अपने ओवन में, सी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना क्यूट लग रही है फ्रेंड। अब हमें सिर्फ फ्रेंड 20 या 15 मिनट में ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो केक था वो बनके रेडी है फ्रेंड। अब हम इसे अपने केक को निकालेंगे फ्रेंड। सी देखिए, यहां से हमारी लाइट ऑफ हो चुकी है। ये देखिए हमारा केक बनके रेडी है फ्रेंड। ये हम अपना ओवन बंद कर देंगे फ्रेंड। ये देखिए सी कितना प्यारा लग रहा है एकदम। हम इसको टच करके मैं दिखाती हूँ आपको। सी देखिए कितना स्पंजी है, कितना फ्लफी बना है सी। बट ये बहुत हॉट है फ्रेंड, अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है। अभी हमें इसे 5 या 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। इसे ठंडा करने के बाद में इसे हमें फिर अपने फिर हम इसे निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। उसके बाद में हम इसे डेकोरेट करेंगे फ्रेंड। और आपको केक किस कैसे चेक करना है फ्रेंड, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका केक बन चुका है कि नहीं बना है। सी देखिए, ये मेरी नाइफ है, ये मेरा नाइफ है, इससे हमें चेक करना है ऐसे डाल के। ये देखिए मेरा इसमें बिल्कुल भी केक नहीं लगा है, टच नहीं हुआ है केक। तो आप समझिए हमारा केक बनके रेडी है फ्रेंड। अगर हम इस तरीके से डाल के नाइफ अपने केक में डालते हैं और हमारा केक नाइफ में लग जाता है फ्रेंड, तो आप समझ लीजिए आपका केक रेडी नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो मेरा केक बनके रेडी है फ्रेंड। तो मैं इसको ठंडा करती हूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपके साथ में शेयर करती हूँ, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरीके से अपने नाइफ से साइड साइड में इस तरीके से ऐसे राउंड शेप चलाना है फ्रेंड। सी देखिए, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ फ्रेंड,
उस तरीके से हम अपना चलाएंगे तो हमारा आसानी से जो हमारा केक है वो ना हमारा बाहर अच्छे से निकल आएगा। ठंडा होने के बाद में फ्रेंड आप अपनी एक प्लेट लीजिए, कोई प्लेट, एक प्लेट नीचे रखिए, एक प्लेट ऊपर रखिए और उसे इसे पलट दीजिए तो हमारा केक बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा फ्रेंड। तो सी बट अभी हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड जो मेरी केक थी वो बनके रेडी है फ्रेंड, ठंडी भी हो गई है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप चाहे एज यू विश फ्रेंड आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और अलग से अगर ठंडा करना चाहे तो अलग से भी ठंडा कर सकते हैं फ्रेंड, बट मैंने फ्रिज में इसको 10 मिनट या 5 मिनट के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड अब देखिए ये जो मेरा बटर पेपर था उसे हम इस तरीके से देखिए हटाएंगे, देखिए कितनी स्मूथली ये हट रहा है हमारा। सी देखिए, ये देखिए, वाओ, ये देखिए, ये आप इसको अगर आप इसको दोबारा जब केक बनाएंगे नेक्स्ट टाइम तो आप इसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं कि आप इसे फेंक दें, वेस्ट हो गया आपका, ऐसा नहीं है फ्रेंड, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप रख दीजिए, आपका यूज में आ जाएगा ये फ्रेंड। तो देखिए ये हमारी देखिए कितनी स्पंजी है, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे अपनी केक को पलट देंगे। ये देखिए कितनी स्पंजी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए सी, ये देखिए आप, ये देखिए प्लेट दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए। अब इसको हम चलते हैं डेकोरेट के लिए, डेकोरेट करने के लिए फ्रेंड। तो देखिए मैंने डेकोरेट के लिए क्या यूज किया हुआ है, ये मैंने कुछ नारियल कद्दूकस किया हुआ है एंड मैंने देखिए चॉकलेट गनाश है मेरी, छोटी छोटी कलरफुल भी है, मोती वैसी बॉल है ये छोटी छोटी, देखिए सी कितनी प्यारी लग रही है, और चॉकलेट गनाश भी है गोल गोल, यस। और ये देखिए मेरे कुछ ड्राई फ्रूट है, बादाम है, बाकी ड्राई फ्रूट तो मैं इसमें डाल चुकी थी, आप साथ में शेयर भी किया था, दिखाया था मैंने आपको। तो फ्रेंड अब इसकी हम करते हैं प्लेटनिंग। ये देखिए फ्रेंड अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, मैं आज न्यू स्टाइल में इसे डेकोरेट करने वाली हूँ फ्रेंड। देखिए मैंने इसमें ये दिल टाइप में कट कर लिया है, ड्रॉ करके उसको मैंने कट किया सी ऐसे। तो अब मैं इसके अंदर अपना जो नारियल कद्दूकस है वो मैं इसमें डालूंगी और इसे डेकोरेट करूंगी इस तरीके से, आप भी कर सकते हैं फ्रेंड। इसे मैंने इसमें अपना जो नारियल था वो डेकोरेट कर लिया है, मेरे दिल शेप में बनाया हुआ है। तो फ्रेंड अभी मैं इसको ये जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसे मैं हटा दूंगी। सी देखिए फ्रेंड, ये देखिए मैंने वो एक्स्ट्रा जो पेपर था मैंने हटा दिया, देखिए कितना अच्छा दिल शेप में आया फ्रेंड। अब इसको हम अपनी ड्राई फ्रूट से इस तरीके से डेकोरेट करेंगे राउंड शेप में, और फिर मैं कुछ अपनी चॉकलेट जो गनाश है उससे भी डेकोरेट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड जो मेरा केक था वो बनके रेडी है फ्रेंड। देखिए जो मैंने नारियल बनाया था दिल की शेप में, सी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इसे डेकोरेट कर दिया फ्रेंड। जो हमारी चोको थी छोटी वाली चॉकलेट गनाश उससे मैंने राउंड शेप में इसमें ब्लैक वाली जो ब्लैक वाला हमारी चॉकलेट गनाश थी उससे मैंने दिल शेप में इसको डेकोरेट कर दिया फ्रेंड। यस फ्रेंड बट मैंने पूरा दिल शेप में प्रॉपर नहीं किया, मैंने डॉट डॉट करके कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप ड्रॉप करके डॉट डॉट करके मैंने उसे दूर दूर में गैप गैप देके इसको डेकोरेट किया हुआ फ्रेंड। देखिए और बाकी मैंने जो मेरी बॉल थी उसी मैंने डेकोरेट किया। देखिए फ्रेंड ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा टेक्सचर है, कितना क्यूट एंड कितना ये देखिए कितना फ्लफी बना है, कितना सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है। इसी देखिए मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड, और ये बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। इसको अगर आप केक बहुत तरीके से बनते हैं फ्रेंड, बहुत ही तरीके से बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मैंने आप सब और भी केक शेयर करूंगी फ्रेंड। मैंने अपनी शादी की सालगिरह पे मैंने खुद ही केक बनाया था फ्रेंड, वो मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया था फ्रेंड। उसमें मैंने खुद ही जो क्रीमी होती है वो मैं खुद अपने घर पे बनाई थी, हाउस अपने घर पे बनाई थी फ्रेंड खुद ही। तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी, कभी मैं उस तरीके से बनाऊंगी, आपसे मैं बनाऊंगी तो जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने बिस्किट्स बनाए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड, सिंपल रेसिपी है, सिंपल केक है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, कितना अच्छा बनाइए सी फ्रेंड, आप भी बनाइए, अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए, खासकर बच्चे बहुत ज्यादा केक को पसंद करते हैं फ्रेंड। अगर इसको आप और डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर चॉकलेट गनाश जो होती है लिक्विड बना के उसे उसके ऊपर इसको
इस तरीके से ऐसे इसको रैप कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर अपने डेकोरेट कर सकते हैं, ये बाउल वगैरह ये जो भी है, चॉकलेट गनाश हो गई। एज यू विश फ्रेंड, फ्रेंड अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो केक की पसंद आती है फ्रेंड, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा कमेंट कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है फ्रेंड। यस फ्रेंड, और फ्रेंड थैंक यू सो 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 मच फ्रेंड, मेरी 100 सब्सक्राइबर करने के लिए फ्रेंड, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए फ्रेंड, ऐसी आप ढेर सारा मुझे प्यार देते रहिए फ्रेंड, ऐसी मैं अपनी वीडियो आप में शेयर करती रहूंगी अच्छी अच्छी फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए फ्रेंड। यस फ्रेंड, और देखिए